हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया, योर फ्रेंडली गाइड टू कार्स एंड बाइक्स। दिस इज रिवर इंडी। रिवर इंडी रिवर इलेक्ट्रिक स्कूटर का पहला प्रोडक्ट है। रिवर इज अ बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक स्टार्टअप। आपने ढेर सारे स्टार्टअप देखे हैं, बट इनका स्कूटर काफ़ी यूनिक लुकिंग है। आज इसकी बुकिंग्स भी ओपन हो गई हैं एंड प्राइसिंग 1.25 लाख रुपीज़ एक शोरूम है। ये फिलहाल बेंगलोर में सेल पर जाएगा। डिलीवरी स्टार्ट होंगी अगस्त में। एंड इसका जो कंपनी का प्लान है एक्सपैंड करने का, इस साल के एंड तक 5 और शहरों में ये बिकना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आप बैंगलोर में रहते हैं, तो इसमें आपको बुकिंग करनी चाहिए फ़िलहाल या नहीं, वो मैं आपको इसके बारे में बताकर समझाता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो मैं इसकी बैटरी पैक की कैपेसिटी बता देता हूँ। 4 किलोवाट की बैटरी लगी है। यहाँ पर लगा हुआ बैटरी पैक, यहाँ कूलिंग के लिए आपको परफोरेशन दिया गया है। एंड इसको चार्ज करने में लगते हैं 15 एम्पियर के सॉकेट से 5 घंटे। एंड 120 किलोमीटर्स की इंटरनल टेस्टिंग के अकॉर्डिंग रेंज है, तो डिसेंट रेंज है फॉर अ सिटी बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर। एंड अब मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको वॉल ई, अगर आपने देखी होगी, डिज्नी की एक मूवी है, थोड़ा उसके जैसा लुक मिलता है। ऑल LED हेडलैम्प मिलते हैं। नीचे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स दिए गए हैं। आगे टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पर 240 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। इसमें CBS मिलता है आपको, ABS नहीं मिलता है, यानी कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। एंड जो एलॉय व्हील्स हैं काफ़ी बड़े हैं, 14 इंच के एलॉय व्हील्स आपको मिलते नहीं हैं, इसमें आपको देखने को मिलते हैं। फिट एंड फिनिश जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बट दिस इज़ अ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप, तो आने वाले मॉडल में थोड़ी बेटर फिनिश होनी चाहिए, बट ओवरऑल दिखने में फिर भी ठीक ठाक है। यहाँ पर आपको मिलता है ये प्रोटेक्शन, साइड गार्ड, अगर आपका स्कूटर गिर गया तो बॉडी पैनल को स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा। एंड इसकी एक और स्पेशल बात है, यहाँ पर आपको राइडर के लिए फुटपैक दिया गया है। अगर आपने यहाँ पर ढेर सारा सामान रख लिया तो आपको यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह मिलती है। 20 इंच का ये है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, आराम से आप एक सिलेंडर आई थिंक फिट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप स्पेस में पैर रख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक मेन स्टैंड मिलता है, सेंटर स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड उस साइड से निकला हुआ है। पीछे का भी ऐसा फ्लश फोल्डिंग आपको फुट पैग मिलता है। यहाँ पर ये इसमें एक्सेसराइज करने के ढेर सारे ऑप्शन हैं। एंड यहाँ पर आपको साइड पैनियर माउंट करने के लिए जगह दी गई है। अगर आप साइड पैनियर लगाओगे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस के लिए, वो 5 kg तक का लोड ले सकता है, उसके लिए आपको यहाँ पर स्पेस मिलती है। पीछे आपको कन्वेंशनल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं। एंड पीछे 200 mm का आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है। पीछे नाइलो ग्रिप जैपर ही टायर्स हैं, मतलब सेम एज आगे। एंड 14 इंच का ही साइज़ है। यहाँ पर आपको LED की डिज़ाइन दिखा देता हूँ। यहाँ पर रिवर की ब्रांडिंग है, इंडी यहाँ पर सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसकी स्टोरेज स्पेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो फ्रंट एप्रन में स्टोरेज स्पेस है, 12 लीटर की स्टोरेज स्पेस मिलती है आपको। और इसमें आपको एक टाइप ए USB सॉकेट भी दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको एक हुक दिया गया है, इसमें आप अपनी सब्ज़ी वगैरह लाद सकते हो। सीट का डिज़ाइन सिंगल पीस सीट है, डिसेंट साइज़ की है। एंड बड़े फ्रेम के पैसेंजर भी इस पर आराम से बैठ जाने चाहिए। बाकी ग्रैब हैंडल जो है बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल डिज़ाइन नहीं है, इसका मतलब इसमें प्रोनाउंस डिज़ाइन नहीं है, मतलब आप पकड़ने में थोड़ा इशू हो सकता है। एंड यहाँ पर आपको जो अंडर सीट स्टोरेज मिलती है बहुत ज़्यादा स्पेशल, 43 लीटर्स की आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ पर एक बूट लाइट भी दी गई है। यहाँ पर आप आराम से 2 फुल फेस हेलमेट फिट कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ अपना बैग वगैरह भी डाल सकते हो, फुल एक बैक पैक आपका कॉलेज बैग आराम से फिट कर सकते हो। देन मैं आपको स्कूटर की स्क्रीन दिखा देता हूँ। 6 इंच की स्क्रीन है। इसमें आपको 3 मोड्स मिलते हैं। एक है यहाँ पर दिया गया है, इसमें जो 3 मोड्स हैं उनका नाम है इको, राइड एंड रश। 0 to 40 जाती है 3.9 सेकेंड्स में। टॉप स्पीड 90 km/h की है। एंड यस, फास्ट चार्जिंग भी आप इसको कर सकते हो। एंड इसमें आपको रिवर्सिंग का फंक्शन भी दिया गया है, अगर आप चाहो तो इसे रिवर्स भी कर सकते हो। अगर आपका टायर वगैरह पंचर हो गया है तो आपको इसको
घसीटने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें आराम से ये 2-3 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर आप इसको आगे ले जा सकते हो। और अगर आपको पार्किंग वगैरह से निकालना है तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो। सारे मोड यहीं से एंगेज होते हैं। स्विच गियर वगैरह की क्वालिटी डिसेंट है। हेडलैम्प भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये मोटर ऑन हो गई और ये हेडलैम्प ऑन हो गया। यहाँ से इसका एक बार हाई बीम ऑन कर देता हूँ, आपको फ्रंट लुक दिखा देता हूँ। अभी उजाला है दिन का तो थोड़ा आपको पता नहीं चलेगा, बट आई थिंक शाम में ये काफ़ी बढ़िया दिखेंगे। तो कुछ ऐसा है रिवर इलेक्ट्रिक का ये नया इंडी स्कूटर। आपको कैसा लग रहा है, आपको बुक करना चाहिए या नहीं, इसकी राइड रिपोर्ट हमारे चैनल पर जल्द ही आ जाएगी। व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।